hello children in this video you will get to know what is data frame and what are the different ways to create data frame okay so let us start with what is data frame data frame kya hota hai

ओके okay, वो सिर्फ रो की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता था नाउ इन इन केस ऑफ डेटा फ्रेम डेटा फ्रेम में क्या है हम रोज एंड कॉलम की फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं राइट वे कॉलम्स कैन हैव डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स जहाँ पे कॉलम्स क्या कंटेन कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के डेटा को कंटेन कर रहे हैं फाइन जैसे आप इस पिक्चर में देखो यहाँ पे नेम कॉलम में क्या है स्ट्रिंग वैल्यूज हैं टीम में स्ट्रिंग वैल्यूज हैं नंबर में क्या है फ्लोट वैल्यूज हैं पोजीशन में आपके स्ट्रिंग वैल्यू है एज के अंदर आपके क्या है फ्लोट वैल्यूज है तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स कंटेन कर रहे हैं ओके डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज कंटेन कर रहे हैं इसलिए डेटा फ्रेम क्या है कैसा डेटा कंटेन करता है हेटेरोजेनियस डेटा ओके पर हमने जब सीरीज किया था तो वो क्या कंटेन करता था होमोजेनियस डेटा राइट right? तो ये भी डिफरेंस हो गया कि सीरीज क्या है वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है डेटा फ्रेम क्या है टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है ओके डेटा फ्रेम कैसा डेटा कंटेन करता है हेट्रोजीनियस डेटा कंटेन करता है सीरीज कैसा डेटा कंटेंट कर, uh, करता है सीरीज होमोजीनियस डेटा को कंटेन करता है फाइन इट इज सिमिलर टू अ स्प्रेडशीट और एन एसक्यूएल टेबल तो ये डेटा फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है वो किसके जैसा है स्प्रेडशीट के जैसा या आप कह सकते हैं एसक्यूएल टेबल के जैसा है फाइन अब यहाँ पे देखो एक डेटा फ्रेम दिया हुआ है ओके दीज आर द कॉलम नेम्स और यू कैन से कॉलम इंडेक्स इसको हम कॉलम नेम भी कह सकते हैं कॉलम इंडेक्स भी कह, कह सकते हैं और यहाँ पे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्या है हमारा रो इंडेक्स है फाइन ओके सो इन इन डेटा फ्रेम द डेटा इज द फॉर्म ऑफ रोज एंड Columns, okay? और यहाँ पे कॉलम्स इंडेक्स होते हैं एंड रोज इंडेक्स का क्या यूज होता है इंडेक्स क्या होता है आइडेंटिफाई करता है तो यहाँ पे क्या है रो इंडेक्स रोज को आइडेंटिफाई करें और कॉलम इंडेक्स क्या करें कॉलम्स को आइडेंटिफाई करें ओके okay? Now वी हैव characteristics ऑफ data frame. Okay, it has two indexes. हमें पता है इसके दो इंडेक्स होते हैं रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स या फिर आप कह सकते हो टू एक्सेस क्स एक्सेस एंड वाई एक्सिस एक्स एक्सिस क्या होता है एक्सेस जीरोस वन ओके तो आप ऐसे भीज इंडेक्सेस रो इंडेक्स एंड कॉलम आप ऐसे भी इट हैज एक्सेस रो रो एक्सेस और यू कैन से एक्सेस जीरो एंड कॉलम एक्सेस और एक्सेस वन ओके कॉन्सेप्चुअली इट इज लाइक अ स्प्रेडशीट वेयर इच वैल्यू इज आइडेंटिफिएबल विद द कम्बिनेशन ऑफ रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स ओके तो ये किसकी तरह होता है, है जहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई होंगी वो कॉम्बिनेशन ऑफ रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स से आइडेंटिफाई होंगी जैसे आप स्प्रेडशीट करते हो तो अगर किसी स्प्रेडशीट का आपको नेम देना है ओके okay? किसी सेल का नेम देना है तो वो कैसे देते हो सेल का नेम आप कैसे दोगे आप कॉलम नेम दोगे एंड रो नेम दोगे लाइक ए वन ए टू ओके okay, ऐसे आप देते हो फाइन तो यहाँ पे भी अगर आपको आ, किसी भी डेटा को क्या करना है एक्सेस करना है फाइन तो आप क्या दोगे उसका रो इंडेक्स दोगे एंड कॉलम इंडेक्स दोगे ओके द रो इंडेक्स इज नॉन एज इंडेक्स इन जनरल तो रो इंडेक्स को जर्नली हम इंडेक्स ही बोलते हैं कॉलम इंडेक्स इज कॉल्ड द कॉलम नेम और कॉलम इंडेक्स को हम कॉलम नेम भी बोल सकते हैं फाइन समझ आया तो यहां पे अगर आपको वैल्यू एक्सेस करनी है डेटा फ्रेम में से तो आपको क्या करना पड़ेगा रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स दोनों देने पड़ेंगे ओके okay? तब आपकी वैल्यू आप एक्सेस कर सकते हो इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे जब हम फंक्शंस uh, करेंगे डेटा फ्रेम के ओके okay? द इंडेक्सेज कैन बी ऑफ नंबर्स और लेटर्स और स्ट्रिंग ओके तो इंडेक्स में आप नंबर्स को भी यूज कर सकते हो लेटर्स को भी यूज कर सकते हो स्ट्रिंग्स को भी यूज़ कर सकते हो बाई डिफ़ॉल्ट जो अगर आप एक्सप्लीसिटली कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं देते तो बाई डिफ़ॉल्ट क्या होता है आ, ये नंबर्स फॉर्म में आता है और नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं राइट right? देर इज़ नो कंडीशन ऑफ हैविंग ऑल डेटा ऑफ सेम टाइप अक्रॉस कॉलम्स इट्स कॉलम कैन हैव डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स ओके वी नो इट वेरी वेल हम जानते हैं कि इसमें जो डे दे, डेटा जो कॉलम्स का डेटा होता है वो क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का डेटा डेटा फ्रेम कंटेन करता है इसलिए इसको हैट्रोजीनियस कहा जाता है फाइन यू कैन इजिली चेंज इट्स वैल्यू दैट इज इट इज वैल्यू म्यूटेबल हम डेटा फ्रेम की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं इसलिए उसको वैल्यू म्यूटेबल भी कहा जाता है फाइन रोज एंड कॉलम्स को एड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं ओके इन अदर वर्स इट इज साइज म्यूटेबल तो यहाँ पे क्या है हम उसके साइज में भी चेंज कर सकते हैं इसलिए उसको साइज म्यूटेबल भी कहा जाता है फाइन तो ये क्या है डेटा फ्रेम की कैरेक्टरिस्टिक ओके नाउ वी हैव क्रिएटिंग एंड अ डेटा फ्रेम नाउ वी विल डू डिफरेंट वेज टू क्रिएट डेटा फ्रेम ओके अब यहाँ पे हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो क्या है क्रिएटिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज हमें डेटा फ्रेम किससे बनाना है सीरीज की डिक्शनरी से फाइन तो यहाँ पे क्या है हमको सबसे पहले क्या क्रिएट करनी है सीरीज क्रिएट करनी है ओके okay? फिर सीरीज की हमें क्या क्रिएट करनी है डिक्शनरी बनानी है हमें सबसे पहले सीरीज को बनाना है फाइन सीरीज को बनाने के बाद हम उसकी डिक्शनरी बनाएंगे और उस डिक्शनरी से हम बनाएंगे डेटा फ्रेम अंडरस्टूड सबसे पहले सीरीज बनाएंगे सीरीज से डिक्शनरी बनाएंगे और डिक्शनरी से हम बनाएंगे डेटा फ्रेम फाइन ओके तो यहाँ पे देखो इम्पोर्ट पांडास एस पी डी हमने पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लिया क्योंकि उसके फंक्शन हमें चाहिए इम्पोर्ट numpy एस एन पी और हमने numpy को भी इम्पोर्ट कर लिया फाइन ओके ओके सबसे पहले हमने क्या किया लाइब्रेरी का के uh, को यूज किया इसका use होता है इससे, uh, series function में जो भी आप डालोगे वो इसको कन्वर्ट कर देता है सीरीज में कन्वर्ट कर देता है ओके okay? तो यहाँ पे हमने इसके अंदर कुछ वैल्यूज को पास कर दिया लिस्ट ऑफ वैल्यूज को पास कर दिया फाइन और इंडेक्स इंडेक्स पैरामीटर आपने खुद से दिया है उसको डिफाइन किया है ओके क्योंकि यहाँ पे हम क्या जाते हैं अगर आप इंडेक्स नहीं दोगे तो डिफॉल्ट इंडेक्स आएगा जीरो वन टू थ्री ओके लेकिन हम हम अपना खुद का इंडेक्स यहाँ पे देना चाहते हैं तो हमने इंडेक्स पैरामीटर भी पास किया है उसमें हमने इंडेक्स वैल्यूज दे दी डेली मुंबई कोलकाता एंड चेन्नई Fine. तो सीरीज फंक्शन क्या करेगा? इसको कन्वर्ट कर देगा सीरीज में और जो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी पॉपुलेशन वेरिएबल में अब पॉपुलेशन क्या बन गया है एक सीरीज बन गई है फाइन तो हमने फर्स्ट सीरीज क्रिएट कर ली नाउ एवरेज इनकम सॉरी एवरेज इनकम तो वेरिएबल है हमारा हमने सेकंड सीरीज क्रिएट कैसे की पीडी पांडास लाइब्रेरी के सीरीज फंक्शन में हमने एको सीक्वेंस को पास किया अगेन हमने इंडेक्स पैरामीटर को पास किया और इंडेक्स वैल्यूज़ को पास किया फाइन तो ये क्या करेगा इसको कन्वर्ट कर देगा किस में सीरीज में ये लिस्ट ऑफ़ वैल्यूज किस पर कन्वर्ट हो जाएंगी सीरीज में और वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी एवरेज इनकम वेरिएबल में जाके तो अब हमारी ये सेकंड सीरीज क्रिएट हो गई हमने दो सीरीज क्रिएट कर ली ओके okay, नेक्स्ट क्या किया हमने एवरेज इनकम को डिवाइड कर दिया पॉपुलेशन से फाइन एवरेज इनकम जो भी है ओके okay, वैल्यूज उसको डिवाइड कर दिया हमने पॉपुलेशन से अब जो रिजल्ट आएगा ओके okay, वो किसमें स्टोर होगा वो पर कैपिटा में स्टोर होगा तो ये हमारी थर्ड सीरीज है पर कैपिटा आपकी थर्ड सीरीज क्रिएट हो गई है फाइन अब आपको सिंपली क्या करना है इन जो भी सीरीज बनाई है उसको उसका आपको क्या बनाना है उसको आपको बनाना है डिक्शनरी फाइन तो आपने क्या किया डिक्ट के अंदर ओके okay. डिक्ट के अंदर आपने इसको क्या कर दिया जो आ, ये जो आपकी आ, ये इसको पास कर दिया देखो यहाँ पे हमने क्या किया एक वेरिएबल या डिक्ट ओके okay. तो ये हमारा क्या है? ये डिक्शनरी बनाने का हमारा मेथड है Fine. Okay. तो हमने की ले लिया population अपनी तरफ से और उसके अंदर पास कर दिया और उसकी जो value है वो क्या है population series. Understood? Average income हम, हम हमारा क्या है की और आ, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है सीरीज सेकंड सेकंड वाली हमारी सीरीज जो एवरेज इनकम की है फिर पर कैपिटा इनकम हमारी की है और जो थर्ड इसकी जो इसकी वैल्यू है वो क्या है पर कैपिटा जो सीरीज है समझ आया यहाँ पे हमने तीन सीरीज क्रिएट की थी और उन तीन सीरीज को हमने एज अ वैल्यू डिक्शनरी में ले लिया है ओके हमने एज अ वैल्यू डिक्शनरी में उसको ले लिया है फाइन ओके ओके अब हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई ओके okay? तो नेक्स्ट स्टेप क्या है सबसे पहले हमने सीरीज को क्रिएट किया फिर हमने डिक्शनरी को क्रिएट किया ये हमारे डिक्शनरी को क्रिएट किया अब हम क्या करेंगे डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बनाएंगे तो हमने क्या किया पांडास लाइब्रेरी के डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर डिक्शनरी को पास कर दिया ओके okay? हमेशा ध्यान रखना ये जो डेटा फ्रेम फंक्शन जो आप यूज कर रहे हैं उसमें डी एंड एफ क्या होता है कैपिटल होता है ओके okay? तो डेटा फ्रेम फंक्शन क्या करेगा इस डिक्शनरी को कन्वर्ट कर देगा किसमें डेटा फ्रेम में फाइन जो जहां जा, कहा जा जाकर स्टोर हो जाएगा डी वेरिएबल के अंदर ओके okay? ओके okay. अब हमने क्या किया डी को जो हमारा डेटा फ्रेम बनाया है उसको प्रिंट करा दिया ओके बाय यूजिंग प्रिंट फंक्शन प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया उसको प्रिंट करा दिया समझ आया सबसे पहले हमने तीन सीरीज क्रिएट की ओके okay? उस सीरीज को एज अ वैल्यू हमने डिक्शनरी में डाला और डिक्शनरी क्रिएट की और उस डिक्शनरी को हमने डेटा फ्रेम फंक्शन में पास कर दिया तो डेटा फ्रेम फंक्शन डिक्शनरी को किस में कन्वर्ट कर देगा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा तो यहाँ पे डी हमारा क्या है डेटा फ्रेम है इसको हमने प्रिंट करा दिया अब देखो ये हमारा आउटपुट आया है तो यहां पे हम क्या नोटिस करेंगे इंडेक्स वैल्य। जो की इंडेक्स वैल्यू वैल्यू जो की थी डेली मुंबई कोलकाता एंड चेन्नई ओके हैव बिकम रो इंडेक्स वैल्यू वो क्या बन चुकी है सीरीज की इंडेक्स वैल्यू अब किसकी इंडेक्स वैल्यू बन चुकी है रोज की इंडेक्स वैल्यू बन चुकी है फाइन रोज की इंडेक्स वैल्यू बन चुकी है ओके okay? नाउ आ, और जो हमारी की वैल्यू थी की वैल्यू डिक्शनरी की जो की वैल्यू थी जो हमने दी थी यहाँ पे पॉपुलेशन एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम वो क्या बन गई है कॉलम की कॉलम नेम या कॉलम इंडेक्स समझ आया सीरीज का इंडेक्स बन गया हमारा रोज का इंडेक्स डेटा फ्रेम में और जो हमने डिक्शनरी के अंदर कीज दी थी वो क्या बन गई कॉलम नेम ओके समझ आया ओके okay, तो ये हमारा क्या क्रिएट हो गया हमारा ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज ओके नाउ द नेक्स्ट मेथड इज क्रिएटिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी हमें डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करना है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से हमें डेटा फ्रेम क्रिएट करना है ओके okay, तो सबसे पहले आपने क्या किया पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया एज अ पी उसका अल्टरनेट नेम ओके पी क्या है पांडास लाइब्रेरी का अल्टरनेट नेम अब हमने यहाँ पे क्या लिया लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज यहाँ पे हमने लिस्ट वेरिएबल लिया है ओके okay. ये हमारा लिस्ट क्रिएट हम कर रहे हैं लेकिन जो लिस्ट की वैल्यूज़ वो क्या है वो है वो है इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरीज है यहाँ पे हमने थ्री डिक्शनरीज डिक्शनरीज ली है फाइन और ईच डिक्शनरी कंटेन टू की वैल्यू पेयर तीन डिक्शनरी है वन देखो वन टू एंड थ्री हमारे पास यहाँ पे तीन डिक्शनरी है और ये तीनों किसकी है, वैल्यू है लिस्ट की वैल्यू है और जो जो ईच डिक्शनरी है मतलब हर डिक्शनरी में क्या है दो वैल्यू की वैल्यू पेयर है यहाँ पे देखो नेम की है दीप्ति क्या है वैल्यू सर नेम की है शर्मा क्या है वैल्यू ऐसी डिक्शनरी में नेम क्या है की पूजा क्या है वैल्यू लाइक दिस ओके राइट हमने लिस्ट क्रिएट की फाइन लिस्ट ऑफ डिक्शनरी हमने क्रिएट लिस्ट uh, किसकी है डिक्शनरीज की लिस्ट है ओके okay? अब हमें क्या करना है इस लिस्ट को uh, हमें जो uh, हमारी डिक्शनरीज की जो लिस्ट है उससे क्रिएट करना है ओके okay? तो सिंपली आप क्या करोगे पांडास लाइब्रेरी के डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर आप ये uh, जो लिस्ट वेरिएबल है इसको पास कर दोगे ओके okay? और ये लिस्ट वेरिएबल क्या कंटेन करता है लिस्ट क्या कर रहा है लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज फाइन तो डेटा फ्रेम फंक्शन क्या करेगा इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें डेटा फ्रेम में जो जहा कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा डी एफ वन में राइट नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है हमने प्रिंट करा दिया डेटा फ्रेम को फाइन तो अब यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है ओके अब यहाँ पे देखो जो कीज थी जो आ, आ, इसके अंदर लिस्ट की जो वैल्यूज थी वो डिक्शनरी थी तो डिक्शनरी के अंदर जो कीज थी नेम वो वो क्या क्या बन हमारी columns की name बन बन गई गई की है 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 ये columns का index बन गया है. Fine. और जो कर कर रहा है? Default index contain कर रहा है. तो आउटपुट के ऊपर मत जाना कि कहाँ पे नेम आएगा कहाँ पे सर नेम आएगा ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे इसका आउटपुट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा सिंपली आपसे प्रोग्राम पूछा जा सकता है कि आपको कैसे क्रिएट करना है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से डेटा फ्रेम okay ओके नेक्स्ट वी हैव क्रिएटिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम डॉट सी एस वी फाइल ओके सी एस वी फाइल्स कौन सी होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स वो फाइल जहाँ पे आप डेटा uh, किस फॉर्म में कंटेन करते हो जो वैल्यूज होती है जो डेटा होता है वो एक दूसरे से कोमा की हेल्प से सेपरेट किया जाता है फाइन ओके सी एस फाइल्स आर टेक्स फाइल्स सी एस फाइल्स क्या होती है टेक्स फाइल्स होती है विद इंफॉर्मेशन सेपरेटेड बाय कोमा जो उसके अंदर डेटा होता है उसको एक दूसरे से कोमा की से सेपरेट किया जाता है और इस फाइल की को सेव किया जाता है विद एक्सटेंशन डॉट सी एस ओके डॉट सी एस से इसको सेव किया जाता है You can create a CSV file by saving data of an MS MSXLS file in CSV format. अब हम MS Excel को simply अगर uh, save as command देकर .csv extension लगाके save करते हैं तो वो क्या बन जाएगी? CSV file बन जाएगी fine. ओके एस कमांड फ्रॉम फाइल टैब मेन्यू एंड सेलेक्ट सेव एस टाइप ए सीएसवी फॉर्मेट तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको किसी एक्सेल फाइल को सीएसवी फाइल बनाना है तो आप सिंपली क्या करोगे सेव एस कमांड दोगे और uh, uh, उस डॉक्यूमेंट या फाइल डॉक्यूमेंट uh, का नाम देके डॉट सीएसवी एक्सटेंशन उसके आगे लगा दो फाइन तो वो क्या बन जाएगा सीएसवी फाइल बन जाएगा फाइन वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ सी एस वी फाइल बाई एनी टैक्स एडिटर सच एस नोट पैड हम नोट पैड किसी भी टैक्स एडिटर uh, की हेल्प से सी एस वी फाइल क्रिएट कर सकते हैं ओके okay? uh, और आप नोट पैड यूज करके भी इसको क्रिएट कर सकते हैं एंटर द टैक्स डेटा यू वॉन्ट द फाइल टू कंटेन आपको क्या करना है उसके अंदर टैक्स डेटा आपको लिखना है ओके okay? एंटर करना है जो आप अपनी फाइल में uh, दिखाना चाहते हो सेपरेटिंग ईच वैल्यू विद कोमा लेकिन वहां पे क्या है डेटा किस फॉर्म में आना चाहिए जो भी आप लिखोगे स्ट्रिंग वैल्यू उसके बाद आपको क्या लगाना है कोमा जैसे यहाँ पे रोल नंबर कोमा एस नेम कोमा डीओबी कोमा देन वन कोमा ओके ओके सेपरेटिंग ईच वैल्यू विद अ कोमा एंड ईच रो विद अ न्यू लाइन और आ, क्या करना है एक लाइन फिनिश होके आपको एंटर प्रेस करना है नेक्स्ट लाइन में जाना है सेव द फाइल विद द एक्सटेंशन डॉट और जो भी आपकी फाइल आप ऐसे बनाते हो नोट पैड पे, पे या किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे एक तो उसमें क्या करना है आपको वैल्यूज को कोमा लगा के सेपरेट करना है और आपको जब सेव एस करोगे तो उस फाइल के नेम के आगे एक्सटेंशन लगानी है डॉट सी एस वी कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल फाइन ओके तो हम क्या करेंगे .csv फाइल से डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे ओके okay, तो हम देखते हैं कि सी एस फाइल से कैसे क्रिएट करना है डेटा फ्रेम सबसे पहले आपने क्या किया इम्पोर्ट पांडास एस पी आपने पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लिया ओके okay? अब नेक्स्ट स्टेप स्टेप क्या है डेटा फ्रेम क्रिएट करना तो यहाँ पे हम पांडास लाइब्रेरी का री रीड अंडर स्कोर सी फंक्शन यूज करेंगे ओके okay? और इसके अंदर आपको पास क्या करना है इसके अंदर आपको जो जो भी सी फाइल आप यूज कर रहे हो ठीक है उसका क्या करना है उसका पाथ आपको पास करना है ओके okay? जहां पे वो सेव है वो वो कंप्लीट पांच आपको उस, उसके अंदर पास करना है ठीक है तो ये CSV फाइल का आपने पांच पास कर दिया कौन से फंक्शन में रीड अंडर स्को फंक्शन में तो ये क्या करेगा ये इसको कन्वर्ट कर देगा डेटा फ्रेम में वहां से डेटा को रीड करेगा उस पर्टिकुलर फाइल से जैसे यहाँ पे फाइल है सैम्पल डॉट सी इस पर्टिकुलर फाइल से ये डेटा को रीड करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम की फॉर्म में डेटा फ्रेम में कैसे अरेंज होता है डेटा इन द फॉर्म ऑफ एंड कॉलम ओके तो देखो यहाँ से इसने रीड किया डेटा उसको कन्वर्ट किया डेटा फ्रेम में ओके okay? एंड वो कहाँ पे जाके स्टोर हो गया डीएफ के अंदर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है हमने डीएफ को प्रिंट करा दिया सिंपली तो यहाँ पे देखो सैंपल डॉट सी का डेटा हमारा आ गया है ओके okay? किस फॉर्म में डेटा फ्रेम की फॉर्म में ओके तो इन दिस वे वी कैन क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम सी फाइल ओके चिल्ड्रेन नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास वन इन हिंदी ठीक है क्योंकि ये हिंदी uh, uh, की प्लेलिस्ट है राइट टिल देन कीप स्टडिंग बी सेफ बी हैप्पी एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर यूजफुल यूजफुलडियोज